गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए पूरा का पूरा ये DCM लोड होकर जाएगा, अब पता नहीं कहाँ के लिए। आप देख पा रहे हो ये वाला जो आम है आज का 29 रुपये में बिका है, मेरा वाला ये वाला आम आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये लगी हुई है क्रेटे ये वाला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरे बाल वाल देखो क्या हो गए हैं पूरा, मतलब कि ये देखो पानी भर के ला रहा हूँ, ये धूप में लाया हूँ तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, पसीना बहुत ज़्यादा निकल आया है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने जो है आम तोड़ा था, आज सेकंड डे है, मैं सेकंड डे पर भी आम तोड़ने वाला हूँ, आज भी दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों को कमेंट भी आए थे कि भाई ऊंचाई के आम कैसे तोड़ते हैं, ये भी आज मैं दिखाऊँगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सी वीडियो आने वाली है। तो इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो जाकर फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आप देख सकते हो ये देखिए कैरेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, अब मैं इनको ले जाऊँगा उस साइड में। तो गाइस फाइनली मैं चल रहा हूँ अपने खेत में, यानी कि बाग में। देखो कितनी हरियाली है, बहुत बड़ी बड़ी घास है भाई, अगर इसमें जानवर आ जाए ना तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे खा के। लेकिन जानवर क्या आम वाम खा जाते हैं, ये जितने नए किले हैं वो भी खा जाते हैं, इस वजह से चारों तरफ हमने तार बांध रखा है जिसकी वजह से वो नहीं प्रवेश कर पाते हैं। और भाई बहुत धूप होने लगी। गाइस ये देखिए फाइनली आम हम तोड़ने लगे हैं, ये देखिए ये देखो भाई आम टूटने लगा हमारा। इसको सेफली से रखेंगे यहाँ पे, हैंड पिक आम है पूरा, देखो कितना बड़ा बड़ा आम है। पर आप देख सकते हो ये देखो दद्दा ने तोड़ रखा है आम, दो कैरेट ये फुल हैं, बाकी आप देख सकते हो नीचे पड़ा हुआ है पूरा आम। ये देखो आम देखिए भाई, आप बताइएगा आम कैसा आम है हमारा, देखो कितना बड़ा बड़ा आम है और इसमें जो है छोटा छोटा आम रखा जा रहा है, मतलब खाने पीने के लिए और बाकी दोस्त वगैरह आएंगे उनके लिए। ये छोटा भी है, ये बड़ा हो जाएगा अभी, तो पानी वानी बरसेगा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी इतना आम छूट जाता है कि हम लोगों से चुकता नहीं है, मतलब कि खत्म ही नहीं होता है, बहुत आम छूट जाता है बागों में। देखो सब पड़ा हुआ पूरा, इधर भी पड़ा हुआ है। देखो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ऊंचाई का माल कैसे तोड़ा जाता है, ये देखिए ये है लग्गी बांस की, ठीक है, मान लीजिए ये ऊंचाई पे आम लगा हुआ है तो ऐसे हम लोग ऐसे फंसा लेते हैं उसमें और ऐसे खींचते हैं तो आम जो है नीचे आ जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ऊंचाई का आम तोड़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोग कहते हो कि ऊंचाई का आम कैसे तोड़ते हैं, तो पहले तो डाल पे चढ़ जाते हैं और जो हाथ से मिलने वाला होता है वो हाथ से तोड़ लेते हैं, नहीं तो लग्गी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ऊंचाई का आम जो है तोड़ा जाता है, ज़्यादा ऊंचाई का होता है तो खरिया का प्रयोग करते हैं, पहले हाथ से तोड़ते हैं फिर खरिया में लगाते हैं, एक खोचा होता है खोचा से तोड़ते हैं, इन सभी चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके हम ऊंचाई का आम तोड़ते हैं। तो सही है, इसको हाथ से ऐसे तोड़ लिया फिर ऐसे यहाँ पे डाल दिया, आराम से सुरक्षित हो गया। तो इस तरीके से आम तोड़ा जाता है ऊंचाई का। गाइस यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेड़ हमने तोड़ लिया है और इसमें छोटे छोटे आम छोड़ दिए गए हैं, देख सकते हो सारे आम एक तरफ से यहाँ पे बिछाए पड़े हुए हैं। ये देखिए इतना आम यहाँ पे निकला हुआ है इस पेड़ में, इतना ही था, ज्यादा नहीं था। यस क्या क्या तोड़ रहे हो? आम दिखाओ तोड़ के, आम इस पेड़ में तोड़ के दिखाओ चल के। चलो अभी यस देखो आम तोड़ के दिखाएगा, ऊंचे वाले आम तोड़ो ऊंचे पर के, ठीक है। ये देखो तोड़ रहा है आम, ऐसे फंसाते हैं आम को, ऐसे खींचते हैं, पका आम गिरा, देखो पका आम देखो लेके आया है ये, जाओ रख तो जाके, ऐसे तोड़ा जाता है भैया आम, देखो अब इसका बारी आ गया।
क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये सब सीप मिल रहे हैं। देखो भाई एक नंबर आम, ये देखो पका आम, ये देखो पका आम। भाई कौन खाएगा ये? हम खाएंगे। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए आम सारा सूख गया है चोपी ओपी, तो अब जो है इसको कैरेट में भर के ले जाया जा रहा है। यस मजा आ रहा है। तो यहाँ पे सरवन भैया आए हैं। हेलो, कैसा है सरवन भैया? अच्छे, आई एम फाइन। हाँ, हम खाने आए हो कि तुड़वाने? हम खंभा लिखने आए थे, प्लाटिंग वाले। ये खंभा लिखने आए थे, और ये देखो आम सब पड़ा हुआ है पूरा। बढ़िया लग रहा है? बहुत अच्छा। गाइस सारे आम वहाँ से ढो करके यहाँ पर आ चुके हैं पन्नी के नीचे। ये देखो सरवन भैया इधर जो है, गर्मी लग रही है तो ये फैन चला रहे हैं यहाँ पे। यस, ये क्या कर रहे हो? ये देखो भैया पका हुआ डाल का आम खा रहा है। मजा आ रहा? सही से खाओ थोड़ा। ऐसा खाया जाता है? देखो वाह, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इधर आम दिखाओ। वाह भाई देखो कितना लाल लाल है, कैसा लग रहा है? बढ़िया। मजा आ रहा? वाह भाई वाह। और इधर भी जो है मम्मी जा रही हैं काटने के लिए आम सरवन भैया के लिए। ये देखो ये जो है बहुत गर्मी में गर्म है, तो इसलिए इसको पानी में रखा गया ठंडी हो जाए। तो हाथ हाथ धुल लिए हैं, खाने के लिए रेडी हो? रेडी। ये देखो हाथ भी नहीं धुलता, ऐसे ही खाता है। देखो कितना, वाह भाई वाह, मजा आ रहा है। देखो कैसे खा रहा है, देखो तो कैसे खा रहा है। शैतान है ये, शैतान। कभी देखने को नहीं पाया क्या हम? पाया है। तो कैसे खा रहे हो? तो खा रहा है। ऐसे भैया खाया जाता है आम, देखो। पलटा है कहीं में? ये देखो भैया आम छीला जा रहा है, कितना लाल लाल आम निकल रहा है, एक नंबर का। जल्दी जल्दी छीलो इसको, काटो पीस से फकिया, काटो छीलो जल्दी से। अभी छोटा छोटा आम पक रहा है। और आप लोग कह रहे थे कि देखो ये फिर से लाया है उठा के खाने के लिए। क्या नाम है इसको? ये है टकला। टकला भगड़िया। हाँ ये देखो भैया आम कटा, और ये देखो एक नंबर। आज टाइम हो चुका है 5:30, और मैं आ चुका हूँ दुबग्गा मंडी। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि आज ही की वीडियो में मैंने आम भी तोड़ा है, और यहाँ पे बिकेगा उसका रेट भी मैं दूंगा इसी वीडियो में। तो देखो 5:30 बजा हुआ, बहुत तेज़ धूप है। अभी मोड़े पे चलते हैं, आम आया नहीं है, आएगा फिर दिखाएंगे। गाइस फाइनली मैं इधर गया था मार्केट देखने के लिए, तो अभी व्यापारी आ नहीं रहे हैं, और मेरा माल जो है वो आ चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये देखो ऑटो खड़ा हुआ है, यही है भाई साहब ऑटो हमारा, जो कि आम लाया हुआ है। राम लखन ले आए? ये देखो भैया आ चुका है। हम जिस मोड़े पे लाते हैं उस मोड़े पे काफ़ी ज़्यादा माल आ गया है, और ये मेरा माल है। ये देखिए एक भाई साहब व्यापारी जी हैं जो निकाल रहे हैं, बाकी अभी तो कोई रेट नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये लगी हुई हैं क्रेटें, ये वाला माल देख रहे हो, ये वाला माल आज बिका हुआ है 21 रुपये में, 21 रुपये किलो का, ये देखो। और हाँ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई कैरेट पे कितना छूट मिलता है, तो एक कैरेट पे जो है आपको छूट मिलता है 1.5 किलो, कैरेट पे 1.5 किलो का आपको छूट दिया जाता है मंडी में। यहाँ पर अभी हम खाएँगे लैया चना, बनवाते हैं यार
अरे भैया कैसे बना रहे हो यार दोस्त, 10 रुपए क्या बना दो। बढ़िया बना दो चटपटा। बजा गए है यार ये भैया, बंदा हमारा लिया चना पा भाई वाह। अब आम तो बिक नहीं रहा है, सोचा कि यही बनवा के खाते हैं। चटपटा बना दियो भाई। अरे भाई हमको मिल चुका है लिया चना, अब खाएंगे इसको हम। भाई साहब आए हैं हमारे दिलीप भाई गांव से, हमारे गांव के ही रहने वाले हैं। इन्होंने कितने रुपए में बेचा यार भाई? 34 रुपए में ये बेच के आए, नंबर एक कमाल हुई है। चलो भैया आप देख पा रहे हो ये वाला जो आम है आज का 29 रुपए में बिका है। मेरा वाला ये वाला आम 29 रुपए किलो का आज बिका हुआ है, और ये वाला भी 29 में बिका हुआ है। ये देखो ये भी 29 में गया, मेरा भी 29 में गया, आज का रेट यही है भाई। फिर कांटा हो रहा है। तो मेरे मोड़े का माल जितना है सारा इश्तियाक भाई हैं, उन्होंने ले लिया है, और वो देखिए डीसीएम वहाँ पे लगी हुई है, वो सारा का माल डीसीएम में पलट लेंगे सारा का सारा। इधर देखो अभी एक डाला और आया है भाई साहब। आज का बताएं क्या, मंडी में जो है आम बहुत ही कम है मलिहाबाद में, तो आम और व्यापारी दोनों भाई नहीं दिख रहे हैं। गाइस ये देखिए हमें प्रिंस भैया मिले हैं। और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया है भाई, भी आए हुए हैं, मैं भी आया हूँ। कब मिले थे? कल मिले थे, फिर आज मिले। ये देखो पूरी की पूरी डीसीएम लोड हो रही है। वाह भाई आप देख सकते हो इधर अभी वजन हो रहा है, और कैरेट का 1.5 किलो छूट मिलता है आपको। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि कैरेट पे कितना छूट मिलता है, और ये भाई पल्लेदार भाई साहब लगे हुए हैं। उधर हमारे फूफा खड़े हैं आरती, और इधर भी उधर बनना है पर्चा। भाई साहब पर्चा बनवाओ, पैसा लो, घर जाओ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए पूरा का पूरा ये डीसीएम लोड होकर जाएगा, अब पता नहीं कहाँ के लिए जा रहा है। और 2-3-4 मोड़ है क्या यार, 3-4-5 मोड़ है का पूरा माल उठ जाएगा। देखो इधर ये तुलाई हो रही है। प्रिंस भाई जी जो है बन चुके हैं यहाँ पे, मुंशी जी लिख रहे हैं वजन। पूरा यहाँ पे माल लोड हो चुका, जितना भी लेन इन्होंने यहाँ पे ख़रीदा था, अब बीच से हम जा रही है दूसरी जगह।